क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 8। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है आपका पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मीनिंग है क्या? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे किसे? इट इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फ्रैक्शनल FON फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट अंडर एग्जामिनेशन एंड द स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स रिवील दैट the atoms of element for whom fractional oxidation is realized a actually present in different oxidation state। समझने की कोशिश करो, फ्रैक्शन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट किनकी? सभी एटम की किसी एलिमेंट के। अंडर एग्जामिनेशन, जब हम चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए किसी एलिमेंट के एटम को, तब उन डिफरेंट एटम्स की जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है उनकी जो एवरेज है उसे ही फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो एटम है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक्चुअली अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे केस लिया C3O2, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये कार्बन है, एक और कार्बन, तीन कार्बन, दो ऑक्सीजन, सबके बीच में डबल बॉन्ड, सबके बीच में डबल बॉन्ड। नाम क्या है इसका? कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड है। अब आप देखोगे एस्टरसाइड, ये जो कार्बन है, एक्सप्लेनेशन बाद में भी ध्यान लो, इसका प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस कार्बन की भी प्लस टू है। क्यों? ये जो ऑक्सीजन है इसे अपनी तरफ, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये यहां करेंगे, हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके, शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो प्लस टू और प्लस टू। जबकि ये सेंट्रल कार्बन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है दोनों कार्बन की तरफ, सेम एटम है, सेम शेयरिंग होगी, तो नो लॉस नो गेन। अब इसमें देखो, इस कार्बन ने इस पे ये निशान लगा देते हैं, एस्टेरिस्क निशान लगा दिया। ये कार्बन का जो एटम है इसने बाकी से अलग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो की, सेम उसी एलिमेंट में,
दो कार्बन एटम ने तो प्लस टू शो की, और जबकि इस कार्बन ने क्या की, जीरो। तो एवरेज कितनी हो जाएगी इनकी? तो एवरेज देखो, अगर हम एवरेज निकालें तो टोटल क्या है, प्लस फोर है, और कितने कार्बन है, थ्री है। तो एवरेज होगी प्लस फोर बाय थ्री। जबकि रियलिस्टिक पिक्चर हकीकत में क्या है, हकीकत में यह है कि टर्मिनल कार्बन की तो प्लस टू है, जो किनारे वाले कार्बन होते हैं उन्हें टर्मिनल बोलते हैं, टर्मिनल कार्बन। तो टर्मिनल कार्बन की तो क्या है, आपके पास प्लस टू है, लेकिन मिडल कार्बन की क्या है, मिडल कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट वो है आपके पास जीरो। और एवरेज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस फोर बाय थ्री। तो ये रियलिस्टिक है, इसको हम क्या कहते हैं, रियलिस्टिक स्टेट, और ये क्या है, एवरेज। तो रियलिस्टिक से एवरेज कैसे आई वो तो तुम्हें क्लियर हो ही गया। अब दूसरा एक एग्जांपल हम इसी का स्टडी करते हैं। ये तो था एग्जांपल वन, अब एग्जांपल टू, BR3O8, ये एग्जांपल आपके पास। नाम हो गया ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राई थ्री ब्रोमो, फिर ऑक्टा एट ऑक्साइड। तो नाम आराम से याद हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तीन ब्रोमीन बना लेंगे, Br। ऑक्सीजन कितने, एट, तीन इस पे और बीच वाले में ऊपर और नीचे। दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, दो इसके साथ, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन के बीच में। ऐसे यहां पे दो बॉन्ड इधर, दो बॉन्ड इधर और दो बॉन्ड इधर। ये ब्रोमीन दो बॉन्ड ऊपर और दो बॉन्ड नीचे। हर एक ऑक्सीजन की वजह से प्लस टू का चार्ज इस पे आ रहा, तो तीन ऑक्सीजन की वजह से इस पे चार्ज आया प्लस सिक्स। ऐसे ही इस पे भी आया प्लस सिक्स, और बीच वाले पे दो ऑक्सीजन की वजह से चार्ज आता प्लस फोर। ये निशान इस पे लगा दिया क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। तो अब इसमें एवरेज क्या होगी, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर टोटल 6 + 6 = 10 हो गया, तो प्लस 16 बाय कितने हैं, 3 ब्रोमीन बाय 3, ये एवरेज है। मिडल में प्लस 4 का चार्ज, टर्मिनल्स पे प्लस 6 का चार्ज, एवरेज है प्लस 16 बाय 3। इसी तरह से एक और केस आ जाता है, थर्ड एग्जांपल, S4O6 2-, तो S4 1, 2, 3, 4, O6 O, यहां पे इस सल्फर के साथ ये और ये डबल बॉन्ड से, ऐसे इस सल्फर के साथ ये और ये डबल बॉन्ड से, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट है, तो एक माइनस का इस पे चार्ज है, ऐसी एक माइनस का इस पे चार्ज है, सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट है। तो -1 -1, ये -2 चार्ज हो गए। इस सल्फर पे प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्लस 6 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ सेम स्पीसीज के एटम है, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। सेम इस सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर इज जीरो। नाम क्या है, टेट्रा। फोर के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा। थायोनेट आयन है, टेट्रा थायोनेट आयन ये हो गया।
अब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, आप चेक करो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 6 + 6 + 12 / 4, +12 - 2 यानी +10/4, तो हो जाएगा +2.5। जबकि अगर डिफरेंट डिफरेंट देखे तो यहां पे प्लस माइनस आपके पास +5 है, फिर 0, फिर 0 और फिर लास्ट में +5, ये सेपरेट। तो जनरल कंक्लूजन क्या निकला, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी टेकन विद केयर एंड रियलिटी इज रिवील्ड बाय द स्ट्रक्चर्स ओनली। जब ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो एक्चुअल तो स्ट्रक्चर से पता लगता है, ये क्या आती है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आती है जो पिछले चैप्टर्स में हमने निकालना सीखी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। दे आर दोज कंपाउंड विच कैन ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इट्सेल्फ ड्यूरिंग दी केमिकल रिएक्शन। ध्यान से समझो, दे आर दोज कंपाउंड विच ऑक्सीडाइज एज अदर, जो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करे और खुद रिड्यूस हो जाए। दोज रिएजेंट इन विच फॉरेन एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस और विच अंडरगोज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए रिडॉक्स रिएक्शन आर टर्म्ड एज ऑक्सीडेंट। पहली बात कि जो खुद जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, रिड्यूस इट सेल्फ। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर जो डिक्रीज करे, या फिर विच अंडरगोज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे किसी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, उन्हें ऑक्सीडेंट कहेंगे। एग्जाम्पल, आपने पहले 9th क्लास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े हैं, वो आपको याद होंगे। KMnO4 आपने पढ़ा, K2Cr2O7 पढ़ा, जहां पे एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता था, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े थे। HNO3 आपने पढ़ा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। क्या है ये? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स। रिड्यूसिंग
एजेंट्स और रिडक्टेंट ये किसे कहेंगे? दोज कंपाउंड्स विच कैन रिड्यूस अदर विच कैन रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. दोनों में डिफरेंस है. पीछे वाले ने कहा था ऑक्सीडाइज अदर रिड्यूस इटसेल्फ, ये कहता है रिड्यूस अदर ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए किसी केमिकल रिएक्शन में. दोज रिएजेंट्स इन विच फॉर एन एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस और विच अंडरगोज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए रिडॉक्स रिएक्शन. आर टर्म्ड एज रिडक्टेंट. एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, इनके केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा रिडॉक्स रिएक्शन में, और उन्हीं को फिर हम क्या कहेंगे? रिडक्टेंट कहेंगे. पिछली डेफिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट. इसके एग्जांपल हैं KI पोटेशियम, Na2S2O3 आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स. हाउ टू आइडेंटिफाई, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? How to identify whether a particular substance is an oxidizing or a reducing agent? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करोगे? तो मैं एक चार्ट बना के समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना. सबसे पहले आप क्या करोगे? फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट OS. Find the oxidation state of central atom. Central atom की सबसे पहले आप oxidation state find out करोगे. तीन केस हो सकते हैं. First, if oxidation state जो है वो maximum ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यही इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. लेकिन अगर बीच वाला केस, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या है? तो यही इट इज ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. थर्ड केस, इफ
ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, इंटरमीडिएट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट बीच में है मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन के, इट कैन एक्ट बोथ एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में है तो दोनों की तरह काम कर सकता है, रिड्यूसिंग की तरह भी और ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी। इट कैन डिसप्रोपोर्शनेट एज वेल, डिसप्रोपोर्शनेट एज वेल। वो देखो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, अगर वो मैक्सिमम है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मिनिमम है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर बीच में है तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह वो काम कर सकता है। क्लियर है? रिडॉक्स रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। स्पेशल क्या है इसमें, इन ऑल रिडॉक्स रिएक्शंस द टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर must be equal to total decrease in oxidation number। example देखो, FeSO4 plus KMnO4 plus H2SO4 बैलेंस करेंगे, यहां 10, यहां 2 और यहां 8 लगा के क्या बनता है, FeSO4 होल थ्राइस 5 Fe2 प्लस 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 8H2O। FeSO4 में देखो प्लस 2, KMnO4 में प्लस 5, टोटल कितना हो गया, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। A redox reaction in which same element present in a particular compound in a definite oxidation state is oxidized as well as reduced simultaneously is a
डिस्प्रोपोर्शनेट शन रिएक्शन। देखना, एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, उसकी कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है एक साथ, यानी एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तो उस स्टेट को उस रिएक्शन को जिसमें ये हो रहा है डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहेंगे। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एक साथ हो रहा है, सेम एलिमेंट, कैसे, एग्जांपल देखते हैं। ये स्पेशल टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है, दीज आर स्पेशल टाइप्स रिडॉक्स रिएक्शंस। टू एच टू ओ टू एक्वस सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन, ये टू एच टू ओ बनाएगा तो हाइड्रोजन पे माइनस टू, ये लिक्विड फॉर्म, प्लस ऑक्सीजन गैस तो ये जीरो। आप देखोगे वंस वन ऑफ दी रिएक्टेंट इन ए डिस्प्रोपोर्शनेट शन रिएक्शन ऑलवेज कंटेन एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इन At least three oxidation state. The element in the form of reacting substance is in the intermediate oxidation state and both higher and lower oxidation states of that element are formed in a reaction. Meaning समझो, कहता है इस तरह के रिएक्शन में कोई एलिमेंट थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट होगा, जो रिएक्टिंग सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस इन द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इंटरमीडिएट बीच वाली स्टेट में है, फिर जो प्रोडक्ट में है एंड बोथ हायर एंड लोअर, प्रोडक्ट में एक हायर स्टेट में होगा और एक लोअर स्टेट में होगा, वो रिएक्शन में बाकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहे हैं। जैसे रिएक्टेंट में क्या है, माइनस वन है, तो माइनस वन इंटरमीडिएट है किसका, जीरो का और माइनस टू का, जीरो हायर और माइनस टू लोअर। तो एक ही एलिमेंट जो है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड सेम एलिमेंट इज रिड्यूस्ड। तो ये एग्जांपल याद कर लेना डेफिनेशन के साथ।